अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों। इसी के साथ कहते हैं जी, आज के मॉर्निंग का आगाज़, हमारी जो मॉर्निंग है ना, आज लेट ही हुई है क्योंकि मुझे छुट्टी थी और इसलिए फिर मैं लेट ही उठी हूँ। तो बस उठ कर ना मैंने सोचा चले हल्का फुल्का कुछ खा लेती हूँ। अच्छा, रोटी बनाने का ना ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था, इसलिए आज फिर मैं यही ब्रोचिन ले लूँगी, साथ में ये एक मैं फुल कॉर्न लूँगी एक नॉर्मल। तो ये वैसे भी ना सीड वाली जो ब्रोचिन होती है ना, जिसे फ्रेंच ब्रेड भी बोलते हैं, ये काफ़ी हेल्दी भी होती है और इससे टमी भी काफ़ी देर ना फुल रहता है। तो क्योंकि बच्चों के आने में अभी टाइम था, इसलिए बस मैं अपने लिए बनाऊँगी। अंडा मैंने ले लिया है और साथ ना मिक्स सब्ज़ी का थोड़ा सा सालन था, अगर वो लेना हुआ तो साथ रख लूँगी, देखती हूँ। ये मेरा ना नाश्ता और दोपहर का खाना भी हो जाएगा, तो बच्चे आएंगे ना उनको भी मैं सैंडविच वगैरह ही बना दूँगी। तो साथ में मैंने सोचा चले अपने लिए ना हल्की सी पत्ती डाल के चाय बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया चाय पीने का, वैसे भी नहीं दिल करता, तो जब से आई हूँ ना पाकिस्तान से तो ये दूसरी दफ़ा ट्राई कर रही हूँ। चलें देखते हैं पी जाती है या नहीं। और बस साथ साथ ना किचन के मैं छोटे मोटे काम भी कर लेती हूँ, और ये भी बहुत काम होता है कि सोच लें कि आज बनाना क्या है। सुबह ही बस ना स्ट्रेस शुरू हो जाती है कि आज क्या बनाया जाए। डेली का खैर एक ही काम है। चलें पहले आराम से ना मैं करती हूँ अपना लंच ब्रंच, और उसके साथ फिर किचन के पहले काम कंप्लीट करके ना फिर मैं बाहर जाऊँगी। देखती हूँ कि बाहर से ना क्या लाया जाए और क्या बनाया जाए, या कुछ फ्रिज में से निकाल लूँगी। बस यही है, क्योंकि बच्चों के आने में भी अभी 2 तकरीबन घंटे हैं, और उससे पहले ना मैं अपने घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज जॉब पर भी नहीं गई। तो बस मैं मज़े से करती हूँ इंजॉय, उसके बाद ना फिर आपसे मिलते हैं कि नेक्स्ट जो रूटीन है ना वो मेरी कैसी है। अच्छा जी, मैं बाहर के काम ना निपटा के आ गई हूँ। किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था और 2-3 दिन हो गए हैं। ये मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा मुझे ना ये मंडल बना दे घबराहट ने। आजकल ना सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा बनते हैं और बाहर हर सेल भी करते हैं, ये जो वाइनख्त मार्केट वगैरह आजकल लगी हुई है ना। तो मैंने सोचा चलें उसको ये बना देती हूँ, क्योंकि डेली तंग करती है, कहती है मैंने स्कूल भी साथ लेके जाना है। तो 2 या 3 दिन से ना मैं उसे बस डेली कह रही थी कि अभी बनाती हूँ अभी बनाती हूँ। खैर ये बनाने बहुत ईजी हैं, 5 या 10 मिनट में ये बन जाते हैं, तकरीबन 5 मिनट में बन जाते हैं, लेकिन 5 मिनट ज़ाहिर है लेते हैं फिर ठंडा होते हुए, तो उसके फ़ौरन बाद आप इसे ना खा सकते हैं। मैंने क्या किया था, इसमें 200 ग्राम मैंने ली थी चीनी और तकरीबन 50 मिलीलीटर इसमें मैंने वाटर लिया था। वैसे वाटर इसमें ज़्यादा ये बताते हैं रेसिपी में, लेकिन मेरे ख्याल में उससे ना पानी और ज़्यादा हो जाता है, ज़ाहिर है चीनी जो है ना अपना पानी भी रिलीज़ करती है, तो इसलिए। और जितनी शुगर होगी ना उतने ही आपको बादाम चाहिए, तो बस बादाम को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जब 1 से 2 बॉयल आएगा तो इसे हमने ना बस मसलसल करते जाना है मिक्स, और अभी फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेज पे क्या करना है। ये तकरीबन 2 मिनट के बाद ना इस तरह क्रिस्टल से इसके बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वाइट वाइट सी शुगर हो जाएगी, और इसके बाद मसलसल आपने और भी इसे तेज़ी से हिलाते जाना है, क्योंकि इस स्टेज पे ना इसका जो मेन काम है ना वो शुरू होता है। और यहाँ पर साथ में मैं बना रही हूँ पुलाव, तो उसका भी चिकन मैंने सोचा साथ साथ रोस्ट करती जाती हूँ, दो काम मेरे साथ में हो जाएंगे, क्योंकि उसे तो इतना मिक्स नहीं करना पड़ता या नहीं इतना बार बार आपको रियन करना पड़ता है। इसलिए ये देखें जी, अब बिल्कुल वाइट हो गई है और अभी भी ये रेडी नहीं हुए। इसके बाद इसकी ना जो कैरामेल है ना वो बनना स्टार्ट होगी, तो फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है। वैसे ये बहुत मज़े के बनते हैं, ये तकरीबन वही आप समझे जैसे हम चिक्की नहीं बनाते इसकी तिल की या वैसे चने वगैरह की, ये सेम वैसे ही बनते हैं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अच्छा, इसमें मैंने वनीला शुगर भी ऐड की थी और साथ में 1 प्रीज मसलन एक चुटकी जो होती है ना क्या था सिम्ट दालचीनी वो ऐड की थी। अब मैंने एक ले लिया है जी बटर पेपर, उसके ऊपर इसे इस तरह ना फैला दूंगी ताकि ये एक दूसरे के साथ ना
चिपके ना ये बहुत जल्दी ना ऐसे ठंडे होके जुड़ जाते हैं। तो खैर मैंने अब इन्हें ना दूसरी जगह पर रख दिया था, ये बेटी के लिए मैं एक ट्यूटे में डाल दूंगी, क्योंकि वो कह रही थी मैंने अपने दोस्तों के लिए भी साथ लेके जाने हैं, और हाफ मैं रख लूँगी, इसको जार में डाल दूँगी। ये देखें, ये वाइनख्त मार्केट से मेरी बेटी लेके आई थी एप्पल, शुगर एप्पल, ये शुरू से ही बहुत ये पसंद करती है। खैर इसके ऊपर बस शुगर ही इनने लगाई होती है, कोट की होती है, लेकिन ज़ाहिर है बच्चों को पसंद है। ये शुरू से छोटी सी थी, तब भी लेके आती थी और अभी भी। तो चलें जी, गिब्रांट ने मांडल तो हमारे बन गए हैं, तो उसके बाद फिर बस करना क्या है, थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा किचन में आना है, क्योंकि शाम के लिए ना अभी मैंने खाना बनाना है। असल में खाना तो पुलाव बनेगा, लेकिन जो भिंडी है ना मेरा दिल है वो बना के रख दूँगी, क्योंकि वो फिर कल दोपहर को यूज़ में आएगी, अभी तो हम पुलाव खाएंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना, और ये बर्तन अभी मैंने छोटे मोटे वॉश करके रखे हैं, ये फ्रिज में ना इसमें कुछ गिर गया था, ये मैंने वॉश किया है, और इधर मैं रखती हूँ इसलिए ताकि जल्दी से ना ये ड्राई हो जाए, वैसे जल्दी ड्राई नहीं होते ना, धोने वाला है। और मैं बना रही हूँ भिंडियाँ, मैंने ना जो ग्रीन चिली है ना, ये भिंडियों वाली चिली है, पता दूसरी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कड़वी वाली, लेकिन भिंडियों में यही मज़े की लगती है। और मैं इसे ना फुल ही मैंने डाल दिया है, मैंने सोचा चले क्या, वैसे भी ज़्यादातर मैं ऐसे ही डाल देती हूँ ना पूरी चिली को, साबत शाबत बस जल्दी से मैं इसे बना लूँगी। इसमें मैंने स्पाइसेस बहुत कम डाले हैं, ये दड़ा मिर्च डाली है, ज़ीरा थोड़ा सा, और थोड़ी सी नमक मिर्च ना हल्दी। तो आज ना मैंने भिंडी काटी भी इस तरह, क्योंकि एक दो ख़राब निकली थी, और फिर ना बस मुझे वहम डाल गया, तो मैंने सारी ना ऐसे इस तरह काटी है, दरमियान में से दो हिस्से करके ना, तो फिर दो हिस्से इसके लिए। इसमें थोड़ा सा मैं टमाटो पेस्ट भी डालूंगी, ताकि भिंडी ना खट्टी खट्टी ही सही लगती है। और सैलेड वाले ओनियन मैंने यूज़ किए हैं इसमें, तो बस ये भी मेरी रेडी हो जाती है। अभी भिंडी को तो आपको पता टाइम लगता ही नहीं है ना, ग्रीन चिली मेरा दिल से ऐसे ही रखूँगी, और रोटी के साथ ना फिर बड़ा मज़ा आता है। वैसे भी ये कड़वी शड़वी नहीं होती, ये बच्चे भी खा सकते हैं, ये कड़वी नहीं होती, बस इसका ना टेस्ट मज़े का होता है, इसका जो साउंड होता है ना भिंडियों का मुझे बहुत मज़े का लगता है भूनते हुए। चलिए इसका ना चूल्हा मैं थोड़ा हल्का कर देती हूँ, बाहर वेदर मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अभी भी स्टील लगी हुई है हल्की हल्की, ये कुछ है ये देखो, इसको मैं थोड़ा हल्का करती हूँ, उसके बाद मैं कर लूँगी किचन और वॉशरूम में मॉप, तो रोटी फिर हस्बैंड हेल्प करवाएंगे। तो चूल्हा मैं हल्का कर दूँ, चलो अब तो बनती रहे दम पे, ये हो गया। और यहाँ से मैंने चीज़ें उठानी है, ये मैंने लेके आई थी और शॉप वाली, ये अभी बाद में दिखाऊंगी। चलें